हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे अल्बेंडाजॉल के बारे में। अल्बेंडाजॉल या बैंडी सिरप जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, मैनकाइंड फार्मा का है। वैसे ही बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आते हैं। मैक्सिमम ब्रांड जो है उसमें 5 ml में 200 mg अल्बेंडाजॉल रहता है। एक जेंटल ब्रांड है GSK का, जिसमें 5 ml में 400 mg दवा रहती है। तो इसके जो डोजेस है, 1 से 2 साल के जो एज के बच्चे रहते हैं उसमें हम 200 mg दवाई पिलाते हैं रात में। तो जैसे इसमें आप देख रहे हो 5 ml में 200 mg मेडिसिन दिया गया है बैंडी सिरप में। तो अगर 1 से 2 साल का बच्चा है तो उसको हमको सिर्फ 5 ml पिलाना पड़ेगा रात में। अगर आज एक डोज दिया, एक डोज हम जनरली 3 दिन या 15 दिन के बाद रिपीट करते हैं, फिर हमको 5-6 महीने तक अल्बेंडाजॉल या डिवर्मिंग की दवा देने की ज़रूरत नहीं गिरती है। वही 2 साल के जो ऊपर के बच्चे रहते हैं उनमें अल्बेंडाजॉल का डोज है 400 mg। तो जैसे अगर हम बैंडी सिरप देना चाहें तो उनमें हम पूरा सिरप 10 ml का जो बॉटल आता है पूरा पिलाना पड़ेगा, क्योंकि 5 ml में 200 mg है तो 10 ml में 400 mg चला जाएगा बच्चे को। और अगर हमको जेंटल सिरप मिलता है जिसमें 5 ml में 400 mg है तो उसको सिर्फ 5 ml पिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डोज़ है 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनमें 200 mg है, और जो 2 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं उसमें 400 mg है। ये जनरली हम रात में पिलाते हैं ताकि जो एक्टिविटी रहती है वर्म्स की वो रात में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो रात में अगर हम डोज पिलाते हैं अल्बेंडाजॉल का तो प्रॉपरली इफेक्टिवली उस पर काम करेगा, और साथ में ही सुबह मॉर्निंग में मोशंस के थ्रू बहुत बार वर्म्स बाहर आ जाएंगे। तो इसको हमको जनरली दूध के साथ या जिसमें भी फैट्स ज़्यादा है ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसे खाने के साथ देना है रात को सोते समय, ताकि इसका एब्सॉर्प्शन सही तरीके से हो। तो अगर आप दूध के साथ पिलाते हो तो बहुत ही अच्छा, खाने के बाद आपको रात को सोते समय इसका डोज पिलाना है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। डीवर्मिंग हमारे इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और हमको हर बच्चे को डीवर्मिंग हर रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।